Hey cuties, welcome to Reena's Wardrobe. So guys, in today's video, I'm going to share my Meesho affordable haul. So yeah, without any further ado, let's jump into the video. So guys, ये हॉल एक मिक्स हॉल होने वाला है. लाइक आई हैव कॉट सेट राइट हियर, टॉप्स है, बॉटम वेयर है एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर डो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइज, फर्स्ट आई हैव दिस यू नो सनग्लास राइट हियर. अब ये मैं सोच रहा है मीशो पे रेबन के सनग्लासेस कहाँ से लिए इसने. ये एक ऐसी आउटर पैकेजिंग थी मेरे पास पड़ी हुई, तो उसमें मैंने वो सनग्लास रख दिए जो मैंने मीशो से लिए. एंड गाइज, ये सनग्लास गजब के है, ट्रस्ट मी. सो दिस इज हाउ दी सन ग्लासेस लुक्स लाइक. इस पे ना ये लेपर्ड प्रिंट है, तो इसलिए मैंने बाय किए थे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लासी है. इसकी जो शेप है ना, इसे कुछ रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ है, तो काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत ही प्यारा सा है. अच्छा, उसमें कलर ना बहुत हल्का दिख रहा था कि बहुत ही लाइट ब्राउन ऐसा कुछ कलर आएगा, बट ये थोड़ा डार्क ब्राउन सॉर्ट ऑफ है, तो काफी ज्यादा क्लासी लगता है. इसको मैं एक ही बार स्टाइल किया है, और अगर मेरे पास पिक होगी अपनी तो आई विल इंसर्ट माय पिक्चर राइट हियर. एंड आई गॉट दिस वन फॉर ₹465. तो मुझे ना ये एक्सपेंसिव लग रहा था, ट्रस्ट मी, बट मैंने इसलिए बाय कर लिया क्योंकि मेरा सरोजनी वगैरह तो जाना हो नहीं पाता, वहां तो बहुत अफोर्डेबल मिल जाते. बहुत रेयरली जाती हूँ यार, मैं जाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर भी जरूर करूंगी सरोजनी का हॉल वगैरह. मतलब सोच के इतनी एक्साइटमेंट होने लग जाती है. सो या बहुत ही अच्छे सनग्लासेस हैं, बट हाँ, अगर आप दिल्ली साइड रहते हो तो ये सरोजनी पे आपको ₹100 या ₹250 समथिंग के मिल जाएंगे, बट मीशो पे थोड़ा सी कॉस्टली मिल रहे हैं, बट काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई मीन स्टडी है. ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की, जो कि है ये शॉर्ट्स. एंड इसके लिए मुझे इतनी क्वेरीज आ चुकी है ऑलरेडी कि यार ये आपने कहाँ से बाय किए हैं, कहाँ से बाय किए, बिकॉज इसको मैं ऑलरेडी काफी हॉल्स में, मतलब मैंने ट्राई करके आप लोग के साथ शेयर किया था, क्योंकि इसके साथ जैसे कोई टॉप वेयर की है तो इसको पहना है, तो आप लोग की काफी क्वेरीज थी. सो गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी डेनिम फैब्रिक में आपको रिसीव होगा. यहाँ पे आपको 3 पॉकेट मिल जाएगी फ्रंट पे, एंड जिप है, एंड देन बटन की डिटेलिंग है. और फिर ना ये कुछ ऐसे फोल्ड करके है, तो फोल्ड वाली डिटेलिंग है ये, और मैंने फोल्ड नहीं किया हुआ क्योंकि काफी लोगों को ट्रायल में लगता भी होगा देख के, बट ये फोल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये काफी शॉर्ट है. मतलब जो इसकी लेंथ है ना, वो बहुत शॉर्ट है. सो इन केस अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही इन शॉर्ट्स के लिए जाना, ये मैं क्लियर कर देती हूँ. ये आपको बहुत ही शॉर्ट लेंथ के आएंगे, बट दे लुक सुपर सेक्सी गाइज, एंड बहुत ही कूल लगते हैं. स्पेशली लाइक आपने कुछ यू नो पहन रखा हो, कोई अच्छा सा टॉप या फिर टी शर्ट्स वगैरह. मैं इनको बहुत बार वेयर कर चुकी हूँ, सो आई विल इंसर्ट माई पिक्चर्स एंड वीडियोज राइट हियर. ये मुझे कॉस्ट किए थे ₹318 के, तो उस अकॉर्डिंग यार बहुत ही बेस्ट है. मतलब इतने पैसे में क्या ही मिलेगा, इसलिए मैंने इनको बाय किया था. आई मीन दिस साइज 30, तो मुझे वेस्ट से थोड़े लूज भी है, क्योंकि जब भी मैं बाय कर रहा था मैंने, तब मैं 30 था मेरा वेस्ट साइज, अभी 28-29 के बीच में है, इसलिए ठीक आ रहा है. मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लूज है बट चल जाता है. बहुत ही प्यारा लुक आता है इनका, जब भी मैं वेयर करती हूँ मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, और टी शर्ट्स के साथ किसी के साथ भी चल जाता है, मतलब बहुत ही सही लुक आता है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक टॉप की, जो मैंने बाय किए हुए थे. मुझे थोड़ा दिन हो चुका है इसको, और बहुत अफोर्डेबल बाय की थी ये मैंने, बट अभी आप देख सकते हो टैग है, और इसको मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती क्योंकि इसको बाय करने के बाद मैंने रख दिया था ना, मैंने इसका कोई ट्राई ऑन किया ना, ट्राई करके देखा ना, ही इसको कहीं वेयर किया है. तो आज ही आप लोग के साथ फर्स्ट टाइम इसका ट्रायल में शेयर करने वाली हूँ. तो ये कुछ इस टाइप की टॉप रिसीव होने वाली है, लाइक दिस. सो गाइस, इट्स इन द फैब्रिक पॉलिएस्टर, एंड इट हैज स्क्वायर नेक डिटेलिंग, एंड देन दिस स्मोक्ड फैब्रिक काइंड ऑफ डिटेलिंग, एंड इट हैज फुल स्लीव्स. ओके, स्लीव्स में भी अगेन वही स्मोक्ड फैब्रिक की आपको ऐसा डिटेलिंग मिलेगी, यहाँ पे जैसे चूड़ीदार नहीं होता वैसा कुछ लुक आने वाला है. तो स्क्वायर नेक वैसे लगता बहुत एलिगेंट है, बिकॉज आपकी जो नेकलाइन है उसको काफी इन्हेंस करता है, कोलोबोन को बहुत इन्हेंस करता है, तो स्क्वायर नेक काफी अच्छा लगता है. देन यहाँ पे प्लीट्स की भी डिटेलिंग है, तो लेट्स सी इसका कैसा लुक आने वाला है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको वेयर करके, ट्राई ऑन आपको यहाँ मिल ही जाएगा. फैब्रिक वगैरह काफी अच्छा है, मतलब अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो ये मुझे पड़ी थी जस्ट 185 की, एंड उसके अकॉर्डिंग यार बहुत ही सही क्वालिटी है 185 के अकॉर्डिंग. मतलब थ्रेड भी इधर उधर कहीं से भी नहीं निकला हुआ है, एंड इसको आप चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो, मतलब ना इसको ऐसे टकिंग सॉर्ट ऑफ कर लो एंड क्रॉप हो जाएगी अंदर की साइड कर लो, क्योंकि इलास्टिकेटेड है ना वो स्मोक्ड फैब्रिक, इसलिए. एंड आई मीन दी साइज मीडियम,
तो ठीक है, आप फिट वगैरह आप ट्रायन में देख लेना यार, क्योंकि मैंने सच बताऊं नहीं ट्राई किया तो मैं बता नहीं सकती। तो ट्रायन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगी मुझे ये, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। एंड लाइक इट हैज लॉट ऑफ कलर ऑप्शन, इसमें है ब्लू, ब्लैक, ब्लैक तो मैंने बाय कर लिया, येलो, रेड, ग्रीन, लाइक इट हैज लॉट ऑफ कलर ऑप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक आउट। ओके, सो या लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में भी। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि है अगेन एक टॉप। सो जो हमारी ये वाली टॉप है, इसको भी बाय किए हुए मुझे 4 to 5 month हो चुके हैं, और मैंने इसको इसलिए बाय किया था बिकॉज मैं सोच रही थी कि ये पूल साइड जाके कुछ अच्छी सी पोज में फोटोज क्लिक करवाऊंगी, बट अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए मैं टैग रिमूव नहीं किया। मैं जब तक जिन कपड़ों को पहनती नहीं हूं ना बाहर, तब तक टैग्स नहीं रिमूव करती, ऐसे पटक देती हूँ। बाकी इसको मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, ये बहुत ज्यादा सेक्सी, बहुत क्यूट लगता है। आई नो ये कुछ गर्ल्स का टेस्ट नहीं होगा, बट अगर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये टॉप पहन के इसके ऊपर कोई भी मैश टॉप वेयर कर लेना इनकेस अगर आपको ज्यादा रिवीलिंग नहीं पसंद। बाकी अगर कुछ गर्ल्स का ये टेस्ट है ना, तो ये बहुत क्यूट है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, ट्रस्ट मी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपको ना ऐसा कुछ डिटेलिंग मिलेगी, नेक बहुत ज्यादा डीप जाएगा, और इसके अंदर आपको निप्पल पेस्ट्रीज ही वेयर करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप कुछ नहीं वेयर करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि काफी थिक फैब्रिक है, लेकिन निप्पल पेस्ट्रीज वेयर कर लेना, या फिर बूब टेप भी काफी सही रहेगी। फिर आपको ना यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉस्ट्रिंग मिलेगी जिनको आप टाई करना है बैक में, और फिर यहाँ पे भी ड्रॉस्ट्रिंग मिलेगी जिनको आप बैक में टाई कर सकते हो, फ्रंट में भी टाई कर सकते हो, बट बैक में ज्यादा बेटर लगेगी। और फुल बैकलेस है, फुल बैकलेस है, बहुत प्यारा टॉप है। और स्पेशली जो प्रिंट्स है ना, फैब्रिक जो है ना इसका, वो लाइक जॉर्जर सॉर्ट ऑफ है, तो काफी अच्छा फैब्रिक भी है, काफी थिक क्वालिटी है। और प्रिंट देख रहे हो, मतलब वो ना लाइक गोवा वाली, अभी मैं गिरती पीछे, वो ना गोवा वाली वाइब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा प्रिंट हो रखा है, बहुत क्यूट लगने वाला है। और ये मतलब शॉर्ट्स वगैरह के साथ ना बहुत अच्छा लगेगा, और क्या ही बताऊं, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इसको वेयर करने के लिए कहीं ना कहीं, और जल्दी फोटोज आप इंस्टाग्राम पे देखोगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ फिफ्थ प्रोडक्ट आई गेस। सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वार्ट्ज सेट राइट हियर, जो कि जब मैंने बाय किया था तब ये बहुत अफोर्डेबल था, ये कुछ 500 का था, बट अभी ये 1500 का हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट इन केस स्पेशल आती है, डिस्काउंट पे रहता है, तो जरूर बाय करना। ये एक नाइट वेयर है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। फर्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट्स की। सो गाइस, इट्स इन द फैब्रिक कॉटन एंड इट हैज दिस यू नो हनी बी प्रिंट एंड इलास्टिकेटेड है ये। यहाँ पे आपको ऐसे दो ड्रॉस्टिंग मतलब नाड़ा मिलेगा जिसको टाई कर सकते हो, और पॉकेट्स भी हैं, तो काफी क्यूट है ये। और शॉर्ट्स की लेंथ बहुत अच्छी है, मतलब मुझे नाइटमेयर से यही शिकायत रहती है, बिकॉज नाइटमेयर आइडिया नहीं रहता ना कि आप कैसे सो रहे हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े, मैं तो ऐसे ही सोती हूँ, लेकिन मुझे होश बिल्कुल नहीं रहता। तो फिर मुझे नाइटवेयर में जो शॉर्ट्स चाहिए ना, उनकी लेंथ थोड़ी अच्छी चाहिए, थोड़ी डिसेंट चाहिए, क्योंकि नाइट टाइम में नहीं पता आप कैसे क्या कर रहे हो, कैसे पैर उठ रहे हो, कैसे आदत कर रहे हो, नहीं पता होता, इसलिए थोड़ा अच्छा चाहिए। तो ये शॉर्ट्स की लेंथ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस पर जो प्रिंट है ना यार, ये चुमेश्वरी है। एंड उसके बाद इसके साथ टी शर्ट रिसीव होगी, जो कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक में है, तो ऑरेंज कलर में टी शर्ट रिसीव होगी। फैब्रिक इसका भी कॉटन है, यहाँ पे दो बटन लगे हुए, इसको ओपन भी कर सकती हूँ मैं, तो क्लोज करती हूँ, राउंड नेक मिलेगा, फिर वही हनी बी का प्रिंट यहाँ पे मिल गई, पॉकेट दी हुई है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगा रही है। और ये पॉकेट की वजह से ना ये कॉर्ड सेट लग रहा है, क्योंकि ऐसे देखने में नहीं लगता, बट ये पॉकेट है ना और सेम प्रिंट है, इसलिए कॉर्ड सेट लग रहा है, काफी क्यूट है, ट्रस्ट मी यार, बहुत प्यारा सेट है। एंड आई मीन दिस साइज मीडियम, मैं ये बोलूंगी बस सस्ता हो जाए ना तो मिस मत करना, बाय कर लेना। अभी के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहती यार आपका पैसा वेस्ट हो सच में, क्योंकि 1500 की नहीं है यार वर्थ, ट्रस्ट मी। ओके, पानी बहुत जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है वीडियो बनाते वक्त, और इस रूम में मैं कोई एसी वेसी ऑन भी नहीं कर सकती, क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा आती है, वैसे ही पड़ोसी मेरे चैन नहीं लेने देते मुझे। सो नेक्स्ट अगेन शॉर्ट्स ही हैं मेरे पास, और ये हैं ब्लू कलर में, एंड सेम ही स्टाइल है अगेन इनका भी। सो गाइस, ये भी एक डेनिम शॉर्ट्स है, आप देख सकते हो, इसमें भी वही फोल्ड वाला डिटेलिंग हो रखा है, कि ऐसे फोल्ड रहेंगे यहाँ से, तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बस ये मुझे थोड़े टाइट है, तो जब मैंने बहुत पहले इसको बाय किया था तभी मुझे ठीक आ रहे थे, अभी थोड़े से यहाँ से, मतलब मैं कहाँ से बताऊँ, यहाँ से थोड़े से ऐसे टाइट है थाइस के अराउंड से, तो मुझे थोड़ा ऐसे, मैं ज़्यादा देर नहीं वेयर कर सकती, मतलब इरिटेशन होने लग जाती है, बिकॉज शॉर्ट्स ऐसे होने चाहिए थोड़े कंफर्टेबल फील करवाए, तो ये चीज़ है। बाकी काफ़ी प्यारे लगते हैं अगेन ये, और लेंथ इसकी अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा व्हाइट वाले ज़्यादा शॉर्ट है वाले ना, ठीक है, मतलब डिसेंट लेंथ है, बहुत ज़्यादा ये शॉर्ट नहीं है, तो काफ़ी सही लगे मुझे ये।
वैसे अगर आप अपने परफेक्ट साइज में लोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। एंड इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिन है, बहुत थिक वाला डेनिम नहीं है। ओके, सो आई गॉट दिस वन फॉर ₹240 एंड आई एम इन दी साइज 30। तो अकॉर्डिंग टू साइज ये मुझे ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा सा टाइट। आई डोंट नो व्हाई क्यों उन्होंने ऐसा बना रखा है, बिकॉज कुछ लोगों की थाइज जो होती है थिक होती है, लाइक मेरी थाइज बहुत ज्यादा थिक है, तो वो चीज़ है। मेरा लोअर बॉडी थोड़ा थिक लगता है देखने में, आपको ड्रायर में भी आइडिया लग जाएगा, तो वो चीज़ है। बाकी इसको ना टॉप्स वगैरह के साथ, टी शर्ट के साथ ना स्टाइल करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, इतना मतलब मस्त लगेगा, कूल सा लगता है। एज वेल एज कहीं भी कभी भी जाना हो तो शॉर्ट्स ऐसा है जो पहनो एंड या गुड टू गो, कहीं भी जा सकते हो। नेक्स्ट गाइज, आई हैव दिस टॉप राइट हियर जो मुझे कुछ 200 something की मिली है। इट्स इन द फैब्रिक रिप, तो ये हाई नेक में आएगी, प्रॉपर हाई नेक। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी नॉर्मली वेयर कर सकते हो, ऑब्वियसली टक इन करना पड़ेगा बिकॉज बहुत लॉन्ग है यार, इतनी लॉन्ग क्यों दे रखी है मुझे नहीं समझ आ रहा। बाकी इसके साथ लेयर चेन स्टाइल करोगे बड़ा अच्छा लगेगा, और कोई भी जैकेट्स वगैरह कोट वगैरह स्टाइल कर लो, ऑफिस वेयर के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत प्यारा लुक आएगा। और कलर इसका ना स्पेशली बहुत प्यारा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई ये, और स्ट्रेचेबल भी फैब्रिक है इसका, और मेरा जो साइज है वो मैंने बाय किया है मीडियम, सो काफी अच्छी लगी मुझे ये। लाइक हाई नेक लुक आता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लुक आता है। शायद मैं इसको कार्गो पैंट के साथ आपको स्टाइल करके दिखाऊं, एंड बाकी आप इसको ना जैकेट वगैरह के साथ, या फिर कुछ समझ नहीं आता ना कि विंटर्स में जैकेट्स होती है तो उनके अंडर क्या वेयर करो, तो आप ऐसा कुछ ले सकते हो बेसिक कलर्स में, फिर उसको स्टाइल करो, अच्छा लुक आता है, और इसका फैब्रिक भी थोड़ा थिक है, तो ये लाइक अभी जो सीजन आने वाला है ना उसके लिए काफी परफेक्ट रहेगा। लाइक ज्यादा सर्दी भी नहीं, ज्यादा गर्मी भी नहीं, वैसे सीजन के लिए है ये। सो दैट्स ऑल गाइस, ये था मेरा मीशो अफोर्डेबल हॉल, कैसा लगा प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, कौन सा बाय करेंगे ये भी जरूर बताना। मेरे को ये सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे, स्पेशली जो बैकलेस टॉप है ना यार, वो तो बहुत क्यूट है यार, एंड शॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं, नाइटवेयर भी बहुत अच्छा है, बट थोड़ा कॉस्टली, अभी थोड़ा सस्ता हो जाए तो बाय कर लेना। सो या लिंक मिलेगा सभी का कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल, बाय।